बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जवेरिया अरशद। आज का हमारा टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स ऐसे मेंबर फंक्शंस होते हैं जो सेम नेम से डिक्लेयर और डिफाइन होते हैं किसी भी क्लास में। जो क्लास का नेम होता है वही अगर मेंबर फंक्शंस का नेम रख दिया जाए तो उसे हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर। हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर किसी की खास बात ये होती है कि जब किसी क्लास में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर किया जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है। हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को बेसिकली हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, यानी एक नेम से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एक ही क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हों लेकिन डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हों तो हम कहते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं तो नेम तो सेम हमारे पास होगा लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। तो या तो उसका पैरामीटर्स हमारे पास पैरामीटर्स की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास पैरामीटर्स जो हमने यूज किए हैं ना वो हमारे पास अगर सेम भी हैं तो उसके डाटा टाइप हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। और एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट हो सकता है वो ये कि उसके हमारे पास अगर हम जो पैरामीटर यूज किए हैं उसके हम लोगों ने तरतीब रखी है वो हम थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। अब हम इसको ना एक प्रोग्राम के जरिए देखेंगे कि ये किस तरह हमारे पास वर्क कर रहा है। ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने ये हमारे पास मेन फंक्शन हम लोगों ने बनाया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमने एक क्लास क्रिएट की है। क्लास का जो हम लोगों ने नेम रखा है वो हम लोगों ने रखा है ओवर। उसमें हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने क्लास में एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है जो हमारे पास इंटीजर और कैरेक्टर टाइप का डाटा मेंबर्स को स्टोर करेगा। एक इंटीजर टाइप का दूसरा हमारे पास कैरेक्टर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का वो हमारे पास नम को करेगा और जो हमारे पास कैरेक्टर है वो हमारे पास चार टाइप को करेगा, मीन्स कैरेक्टर्स को सिर्फ करेगा लाइक ए बी सी वगैरह इस तरह की वैल्यूज को करेगा। उसके बाद हम लोगों ने ना एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया है ताकि हम लोग अपने पहले कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकें। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, उसका नेम भी हमारे पास वही है जो हम लोगों ने ऊपर क्लास का नेम रखा था ओवर। यहाँ पे हम लोगों ने नम की वैल्यू रखी है 0 और हम लोगों ने जो करेक्टर यूज किया वो हम लोगों ने एक्स रख दिया। यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर्स मतलब यूज कर नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज कराया है कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया है कि हम लोगों ने एक और कंस्ट्रक्टर दूसरा कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यूज किया है, उसका नेम भी हमारे पास सेम ही है लेकिन इसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर्स यूज किए हैं। एक हमारे पास है इंटीजर टाइप का और दूसरा हमारे पास है करेक्टर टाइप का। जो हमारे पास नम है हमारे पास नंबर है इंटीजर टाइप है वो हमारे पास एन में है और जो हमारे पास करेक्टर है वो हमारे पास सी है। एन हमारे पास वो वाला पैरामीटर है जो पास किया है जाएगा जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक और मेमर फंक्शन को डिक्लेयर किया है वॉइड कीवर्ड को यूज करते हुए। हम लोगों ने इसका मतलब ये है कि इसमें ये मेमर फंक्शन किसी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेमर फंक्शन का नेम है वो हमारे पास है डिस्प्ले। उसके बाद हम लोगों ने ये सिर्फ हमें इस तरह करेगा कि हमारे पास जो आउटपुट देगा हमें स्क्रीन पे वैल्यूज शो कराएगा। उसके बाद हम लोगों ने सी आउट कराया है नम वाली वैल्यू को भी और हमारे पास चार वाली वैल्यू को भी, ये सी एच और नम को हम लोगों ने सी आउट कराया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन फंक्शन में हमारे पास क्या है। ये नीचे हमारे पास मेन फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोगों ने यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया है क्लास ओवर की मदद से। ये ओवर की मदद से हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स को किया है, एक हमारे पास फर्स्ट है दूसरा हमारे पास सेकेंड है। जो फर्स्ट है ना इसमें से हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर को पास नहीं कराया। जो हमारे पास सेकेंड है ना इसमें हम लोगों ने इसको हम लोगों ने दो पैरामीटर इसमें से हम लोगों ने पास कराए हैं। जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास 100 है और दूसरी वैल्यू वो हमारे पास करेक्टर टाइप की है पी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया सी आउट करा दिया है। सी आउट में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी और जो सेकंड वैल्यू है वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। मीन्स कि जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर्स कॉल किए हैं उनकी उनसे वैल्यूज हमने उनको दी हैं, जो भी वहाँ पे किया है कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है वो डिस्प्ले में आ जाएगा या जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज असाइन किए वो हमारे पास डिस्प्ले में आ जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आती है। ये इसको हमने रन किया है, इसमें हमारे पास उनका कॉन्टेंट ऑफ फर्स्ट है वो हमारे पास आ गया है। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड है वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।